हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमें करना है एक सर्कल का काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2.3 एंड 4.5 एंड द सेंटर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। मतलब आपके पास एक सर्कल है जिसका पासिंग पॉइंट एक तो 2.3 है और एक 4.5 है, और जिसका सेंटर लाई कर रहा है, हमारा सेंटर होता है h, k, वो लाई कर रहा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 लाइन पे। इसको उधर ला के लिख दिया मैंने, इस पर लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब अगर ये दोनों पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है जी। इसको हम लिख सकते हैं, सिंस पॉइंट्स 2.3 एंड 4.5 लाई ऑन दी सर्कल, देन पॉइंट्स सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये पॉइंट्स हमारे सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है, आप एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसी तरीके से 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब बाई 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करते हैं, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग पूछ ऐड करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग खोलेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 8h प्लस का 25 प्लस के स्क्वायर माइनस का 10k। एच स्क्वायर के स्क्वायर से एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है जी। उसके बाद आपका देखो, माइनस का 4h यहाँ पे माइनस 8h इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4h, माइनस 6k यहाँ पे माइनस का 10k इधर आएगा तो प्लस का 4k। अब देखो इक्वल टू में 9 और 4 आपके पास हो गया 13, 13 उधर जाएगा, 16 में से 13 जाएगा तो बचेगा 3, 3 और 25 हो गया 28। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो h प्लस के इज इक्वल टू आ गया 7। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया थर्ड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये जो सेंटर है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना जी। जो सेंटर है वो हमारा सेटिस्फाई करेगा किसको, लाइन को। तो इसीलिए यहाँ पे y की जगह पे k इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे एच माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी 4। अब 3 और 4 को हमें सिंप्लीफाई करना है, k की जगह पे यहाँ पे हम ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो बाई 3 एंड 4 एच प्लस k की जगह पे 4h माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये हो गया 4h प्लस h इज 5, एच इज इक्वल टू 10, h इज इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ से 2, ठीक है जी। h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस का k इज इक्वल टू 7, यहाँ से k इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है जी। h और k आ गया, h और k की वैल्यू उठा के आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो इन इक्वेशन 1 से आप वहाँ से आपके पास आ जाएगा, तो 2 माइनस h की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के की जगह 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया 0, 2 माइनस का 5 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर रेडियस है, प्लस का 2 आएगा, रेडियस हमारे पास प्लस का 2 आ गया, और सेंटर आ गया एच कोमा के मतलब कि 2.5। अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई हमारे पास एक्स माइनस एच मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के मतलब 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर मतलब 2 का स्क्वायर। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 4, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y और प्लस का 25, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी।